देखो जरा क्या होगा इससे, अगर 43 में से 3 घटा दूं, यहाँ पर 38 में से 3 घटा दूं, यहाँ पर 11 में से 3 घटा दूं और 10 में से 3 घटा दूं, तो ऊपर तो हो जाएगा 40, नीचे हो जाएगा आपका 35। तो 5 × 40 और 5 × 35 8/7 आ गया। ये 11 में से 3 गए तो आपका 8, ये आ गया आपका सब। बिल्कुल भाई, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर है x का मान 3 रखने पर। इट इज अ कंप्लीटली कॉमन सेंस। हमें सवाल में दे रखा था कि 43, 38, 11 और 10 में से अपन जब x घटाएंगे तो संख्याओं के अनुपात बराबर हो जाएंगे। अगर ये वाला अनुपात इस वाले अनुपात के बराबर करना है तो x का मान क्या रखना पड़ेगा? 30 रखना पड़ेगा, 3, x का मान 3 रख दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनका मध्यानुपात क्या होगा? मध्यानुपात होता है अंडर रूट x इंटू के बाई। मध्यानुपात पूछा गया है इसका और इसका, मध्यानुपात क्या होता है? अंडर रूट x इंटू के बाई। x का मान क्या आ गया? 3, तो 11 दिया 33 और 3 36, ये हो जाएगा अंडर रूट आपके 36 गुणा 3 नाम 27 में दो गया तो आपका 25, तो 36 का वर्गमूल 6, 25 का 5, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 30। तो इस संख्या का